Good morning, guys. My day 3 of intermittent fasting. आप लोग सोच रहे हो कि मैं ये चिकन शॉप क्यों दिखा रही हूँ. एक्चुअली मैं जिम आई थी, फिर हमने चिकन ख़रीदा, सो मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया था ऐसे ही. सो मैं चलिए हम घर चल के बात करते हैं. So it's 3 o'clock और अब मैं खा रही हूँ लंच. टेस्ट करती हूँ कैसा है. सच में बहुत अच्छा है. मैंने फर्स्ट टाइम बनाया. दैट अमेजिंग. आपने देखा मेरा प्लेट. मैंने राइस बहुत कम लिए हैं पर चिकन का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है. जैसे आप कार्बोहाइड्रेट कम कर सकते हो अपने डाइट में और ज़्यादा प्रोटीन इंटेक कर ले सकते हो. और बटर चिकन है वो ऐसे नहीं कि अनहेल्दी है. इवन बटर चिकन इज ऑल्सो हेल्दी. मैंने ना ही फ्राई किया है चिकन को और बटर मैंने बहुत मिनिमम यूज़ किया है. और वैसे भी आप लोग चिकन बनाते वक्त ऑयल तो डालते हो. ऑयल भी फैट्स होते हैं तो बटर भी. जो भी चीज़ आप कम खाओ तब तक हेल्दी होता है. अगर आप उसको ज़्यादा एक्सेसिव खा लो तो हेल्दी से अनहेल्दी भी हो सकता है. मैंने बहुत लेट से आज किया है लंच बिकॉज 12 बजे मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया था. अभी हैवी था सो इसने सो अभी मैं खाती हूँ. फिर देखते हैं क्या खाती हूँ मैं. शायद आज स्नैक्स नहीं होगा बिकॉज इतना लेट से मैं खा रही हूँ. 7 या 7:30 में डायरेक्टली मैं डिनर ही करूँगी. सो ओके स्टे ट्यून्ड. सो गाइस मेरा एक आदत है, मैं एक चीज़ बताना भूल गई थी. मैं रोज़ अपना वेट चेक करती हूँ. सो आज मैंने चेक किया तो मेरा वेट है था 60.3 kg और मैंने स्टार्ट किया था 60.7 kg से. सो आज दो दिन कंप्लीट हुए. सो दो दिन में मेरा 400 ग्राम्स वेट लॉस हो गया है. कभी कभी ऐसा सबके लिए नहीं होता है और कभी कभी फ्लक्चुएट होता है. कभी कभी आपका वेट बढ़ भी जाता है तो आप निराश मत होइए. सो ऑन एन एवरेज लीजिए आप होल वीक का. आप संडे को जो वेट आएगा वो ही कंसिडर कीजिए. सो आप रोज़ देखने से एक डिसएडवांटेज भी आप डिसअपॉइंट हो जाते हो अगर वेट लॉस नहीं हुआ तो. ऐसा मत कीजिए, मेरी तरह मत कीजिए. आप 1 week में देखिए अगर आप श्योरली कम खा रहे हो तो वेट लॉस होगा. सो गाइस मैं डिनर में खा रही हूँ एग करी, रोटी और तरबूज. सो इसी के साथ मेरा 3rd day कंप्लीट हुआ. अभी हो रहा है 7:30. मैं अभी डिनर कर लूँगी एंड 3rd day तक मेरा सब कुछ अच्छा रहा है. आप लोग भी ट्राई कर सकते, इट्स नॉट लेट. आप लोग अगर ब्रेकफास्ट में कुछ अलग ऑप्शंस चाहिए, लंच में कुछ ऑप्शंस है, डिनर में कुछ ऑप्शंस चाहिए, प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो. एंड ज़रूरी नहीं कि मैं जो खा रही हूँ वही खाओ. आप लोग भी अपना हिसाब से आप खा सकते हो. जस्ट क्वांटिटी आप कम कीजिए क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा होने से ही वेट कम नहीं होता है. सो हियर आई एंड माई वीडियो एंड सी यू ऑल सून टुमारो with my day 4 of intermittent fasting. Thank you for watching and bye bye.